बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आज हम बना रहे हैं झटपट बनने वाला चिकन मैक्रोनी सैलेड। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन मैक्रोनी सैलेड के लिए मैंने ये 2 कप बॉयल्ड मैक्रोनी लिया है, उसके साथ 1 कप बॉयल्ड चिकन, 1 खीरा, ये थोड़ी सी बंद गोभी है 1/2 कप, 1 प्याज बारीक काट के उसको मैंने पानी में डाल दिया ताकि उसका कड़वापन निकल जाए, उसके साथ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून चीनी, 2 से 3 टेबलस्पून हमें चाहिए सिरका, वाइट विनीगर, और 1 कप मेयोनीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बोल के अंदर मैं ये 2 कप मैक्रोनी ऐड करूंगी। उसके साथ 1 कप चिकन, 1 खीरा, एक इस तरह मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ खीरा, खीरा डाल देंगे। साथ ही ये बंद गोभी 1/4 कप जो हमने काटी हुई बारीक, इसको भी बारीक कट किया हुआ इस तरह मैंने। उसके बाद ये जो प्याज एक मैंने बारीक काटा हुआ था इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया। ये ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ये आपके अपने अकॉर्डिंग है, बाद में आप लोग टेस्ट करके इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ ये सिरका, अभी फिलहाल मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ तो टेस्ट करके और तो। उसके साथ 1 कप मेयोनीज। अब ये सब चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखें जी, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ब्लैक पेपर, सॉल्ट और सिरका टेस्ट कर लेंगे, जो चीज़ हमें कम लगेगी हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। सॉल्ट थोड़ा सा कम है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करूंगी। अगर आपको कम सॉल्ट पसंद है तो आप ना डालें, इसके अंदर हल्का सा सॉल्ट और डालूंगी। फिर से अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं इसकी फाइनल लुक देखती हूँ। ये देखें जी, हमारा चिकन मैक्रोनी सैलेड रेडी है। अब आप इसको बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।